हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम BSNL राउटर को सेट करने वाले हैं, साइबरटेक राउटर को। तो इसमें गए नए टैब में और राउटर के एड्रेस को डाल दिया 192.168.1.1। तो इसमें पहले सारी सेटिंग देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो इसको दोबारा से रीसेट करके फिर से करेंगे, देख लेते क्या क्या हो रखा। नेटवर्क में ये है, कनेक्शन नेम है इंटरनेट, RVID, ये VLAN आईडी है 496, नोड राउट है और प्रोटोकॉल IPv4 है। इसमें तीन टाइप के हैं, हमें IPv4 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे फिर से तीन ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। तो इसमें PPPoE ये वाला सेलेक्ट करना है, इसका मतलब देख सकते हो फिर क्या करना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और द इथरनेट, ये वाला है ठीक है। ये DHCP स्टेटिक ये सब में सिलेक्ट करना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना। और इनेबल नेट, ये होता है एड्रेस ट्रांसलेटर, इसको भी देख लेते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, और VLAN को सिलेक्ट कर लेना, VLAN आईडी 496। ये जो है, ये जो कनेक्शन लगा था वो आपको प्रोवाइड करता है कौन सी VLAN है उसके पास अवेलेबल है आपके लिए। और ये वाले में नेम डालना है, इस पर कुछ नहीं डालना। MTU ये प्री डिफाइंड लग रही है 1492, मतलब कि एक जो पैकेट है उसका साइज कितना है, इतने बाइट का। यूजर नेम, हाँ ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है, आप जब BSNL कनेक्शन लगवाओगे तो ये BSNL की तरफ से आपको यूजर नेम मिलेगा। इसमें जैसे ये जो मेरा फर्स्ट है, यहाँ तक ये लैंडलाइन का मोबाइल नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट नहीं है इसमें। ये फिर से उसके पीछे एक रेंडम स्ट्रिंग जनरेट कर रखेगी, एंड ऐसा कुछ पूछेगा ये, मतलब एकदम रेंडम है ये ठीक है। इसमें कुछ कुछ आपका लैंडलाइन का नंबर होगा, कुछ कुछ थोड़ा नहीं होगा। ये पासवर्ड है, इसकी वैल्यू रहेगी पासवर्ड, सब कुछ नॉर्मल में। सर्विस नेम में कुछ भी डाल सकते हो, BSNL, BSNL एक्टिविटी, कोई छोटा बड़ा लेटर का कोई इशू नहीं है। ये PPP टाइप में ऑटो कनेक्ट है, कि मतलब जैसे आपका वाईफाई ऑन होगा लैपटॉप का या मोबाइल का, तो ऑटो अपने आप कनेक्ट कर लेगा। और इसमें सर्विस मोड में इंटरनेट, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वॉइस का है, वॉइस इंटरनेट है, वॉइस इंटरनेट समझ लो आप, देख लो कितने सारे टाइप के। और या पोर्ट बाइंडिंग में पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 को हमें बाइंड कर देना है। तो ये है इसमें। और अभी अगर देखना है कि हमारा कनेक्टेड है कि नहीं, तो यहाँ पर स्टेटस में जाओ, VN, ये VAN कनेक्शन इनफो, इसमें ये वाला हमारे कनेक्शन का नाम है, ये VLAN आईडी है, ये प्रोटोकॉल है, ये कुछ एक दूसरा प्रोटोकॉल है, ये भी इनेबल्ड है, और ये स्टेटस अप है। अगर स्टेटस डाउन है इसका मतलब इंटरनेट नहीं चलेगा। ये IP एड्रेस है, नेटनॉस पे ये सब चीज़ें तो रहने दो, नहीं पता क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, मैनेजमेंट। हाँ, तो मैनेजमेंट में ये जो है आपके राउटर का पासवर्ड यहाँ से होगा ठीक है, वाईफाई का नहीं है, राउटर का है। तो ये यूजर नेम तो फिक्स है, एडमिन रहेगा। पासवर्ड जो है वो आपको रीसेट करना पड़ेगा, जब आप नया राउटर लेके आओगे उसको पहली बार लॉगिन करोगे तो यहाँ पे उसको बदल सकते हो। ये सब तो काम की चीज़ नहीं, नेटवर्क में और देख लेते इंटरनेट हो गया, और बाइंडिंग ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। VLAN, हाँ यहाँ पे देखो, नेटवर्क में जाओ फिर VLAN में जाओ, और यहाँ पे जो है SSID, ये आपके वाईफाई का नाम है ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो। और जैसे ये बेसिक में है फिलहाल, VLAN बेसिक में, अभी एडवांस में जाओगे क्या है, तो सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे आपका वाईफाई का नेम है, यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वो देखो, ये जो है प्री सेव की, यहाँ पे पासवर्ड है ठीक है। तो दोनों अलग अलग जगह से चेंज करना पड़ेगा। बेसिक में आप नाम चेंज कर सकते हैं, बेसिक में नाम चेंज कर सकते हैं, एडवांस में जाके उसका पासवर्ड चेंज कर, सिक्योरिटी में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इस सब का रहेगा, ये वाला जो है
राउटर तो ये सब काम का नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं सिक्योरिटी में जाके। हाँ, सिक्योरिटी में जाके आप जो है यूआरएल फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिसेबल है, इनेबल करके आप इसको, जैसे इनेबल कर दिया तो इसमें आप यूआरएल डाल के उसको बैन कर सकते हो। बोलते हैं ना कि जैसे कॉलेज का इंटरनेट ने कुछ कुछ साइट को बैन कर रखा है, तो वो ऐसे होता है, ऐसे है। तो आप भी कर सकते हैं, जैसे घर पे अगर वाईफाई लगा हुआ है, आप नहीं चाहते कि कोई भी कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चला पाए, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पे आप इनेबल करके वहाँ पे डाल दो। ठीक है, और बहुत कुछ है इसमें, जैसे DNS फायरवॉल हो गया, मैक फिल्टर हो गया, यहाँ पे आप डिवाइसेस को भी ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हो। तो मैक एड्रेस होगा डिवाइस का, इसको इनेबल करोगे तो ये दोनों चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। आप इसमें ब्लैक लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हो कि कौन सी डिवाइस को ब्लैक लिस्ट में डालना है, कौन सी को व्हाइट लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट मतलब वो आपका इंटरनेट यूजिंग कर पाएगा, व्हाइट लिस्ट मतलब इसको कोई रोक नहीं सकेगा, वो यूज करेगा एकदम बढ़िया तरीके से। ये पोर्ट है, ये तो पता नहीं क्या है। ठीक है, तो अभी इसको करके देखते हैं कि हो कैसे रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, तो ये डिलीट हो गया। अब देखो स्टेटस में जाके कनेक्शन इन्फो में, ये देखो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, अभी मेरा नेट एकदम जा चुका है। ठीक है, अगर मैं आप सर्च करनी हो कुछ भी, अगर से मैं ये वेबसाइट खोलनी है तो नहीं खुलेगा, अगर नहीं खुलेगा ये क्लिक 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 किया, नहीं खुलेगा क्योंकि नेट नहीं है। यहाँ पे देखो कि कनेक्ट दिखा रहा है लेकिन वो दिखाता रहेगा क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा, लेकिन आप राउटर से कनेक्टेड। ठीक है, अब इसको करने का है कनेक्ट, तो न्यू कनेक्शन। ठीक है, ब्रिज की जगह राउट कर दो, यहाँ पे IPv पोर्ट कर दो, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया। इनेबल नेट कर दो, नेटवर्क का एड्रेस ट्रांसलेशन VLAN ID इनेबल कर दो, यहाँ पे VLAN ID डाल दो, मेरे को मिला है 496, इसमें नल रहने दो, ये एक पैकेट का साइज है 1492। यूजर नेम में एडमिन है, पासवर्ड में, हाँ देखा, ये यूजर नेम जो है ID पोर्ट किसका आ रहा है, मेरे किसका है, राउटर का है। राउटर का नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये जो हमें आगे से मिला हुआ है। ठीक है, ये पासवर्ड है, इसमें जो है पासवर्ड डालने का सर्विस नहीं है, ऑटो कनेक्ट इंटरनेट, ये पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, इसको कर दो फाइन, कर दो ये क्या, ये तो गया था। देखो तो वाईफाई की डिटेल को हटाए हुए काफ़ी टाइम होगा, लेकिन अब उसका असर दिख रहा है, जैसे कोई हमने छेड़खानी की है तब दिख रहा है। तो मैं कह रहा था कि ये टाइम लेता है, 1 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इसको रिज्यूम किया है और इसको कनेक्ट किया। अब इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ये आ गया, इसको रिफ्रेश मारूँ, ये था अभी जिसमें हमने चेंज किया। इसके अलावा बाकी आप कुछ और भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते, सब चल रहा है, लगा रहे। ठीक है, अभी दोबारा इसको चलते हैं, देखते हैं स्टेटस अपना हो गया अब। ठीक है, नेटवर्क में वही सब सेटिंग्स पहले थी वही डाल, फिर आज के लिए थे।